नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की ओर। बाढ़ में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह का मुंगेर संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के लगभग सभी वार्डो में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और उसका निराकरण करने का भरोसा भी दिलाया। वही कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सह विधान पार्षद कार्तिकेय कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों से महागठबंधन के पक्ष में रहने की अपील की है। मुख्य पार्षद प्रतिनिधि टुनटुन यादव पटना पहुंचे, जहां पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर फतुहा में टुनटुन यादव का भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। बापू सभागार भवन में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उनको भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई है। इस दौरान उनके साथ कई वार्ड के पार्षद मौजूद रहे, जिसमें कमलेश पासवान समेत कई वार्ड पार्षदों ने भी उनके साथ सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। फतुहा की जनता के हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से फतुहा नगर परिषद विकास हो रहा है और आगे मौका मिलेगा, टिकट मिलेगा, तो फतुहा विधानसभा के चमकाने का काम करेंगे। मंडल में फतुहा नगर पड़ता है, बहुत मजबूत होगा। हम चाहेंगे कि इनका जब टिकट मिलेगा तो और निकट ही आ जाएंगे और हम लोग जोर से इनको माने पुरजोर ताकत लगाएंगे कि भाई उनको टिकट मिले, और टिकट मिलेगा तो हम लोग जैसे भाजपा का मेरा सीट हासिल हो जाएगा। फतुहा में टिकट नहीं, फिर मैंने गड़बड़ कैंडिडेट के चलते भाजपा हमारा जीत नहीं रहा है, तो हम लोग पुरजोर समर्थन करेंगे इनको कि भाई इनको टिकट मिले और ये विधायक भी बने हैं। नाम बताइए। अरुण कुमार झा, फतुहा नगर। अगली खबर रोहतास से है, जहां कल्याणी गांव में पीर बहोर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात अपराधियों ने पूर्व मुखिया प्रत्याशी विजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भागने लगे। वही पूर्व मुखिया प्रत्याशी को मारे जाने की खबर ग्रामीणों को मिलते ही वहां पहुंचे भीड़ ने दौड़ाकर तीनों अपराधियों को घेर कर पकड़ लिया है। इसके बाद तीनों की भीड़ ने मारपीट की है, जिससे दो अपराधी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि एक घायल हो गया। वही दूसरी तरफ एसपी विनीत कुमार ने इस घटना की पुष्टि की है, लेकिन मर्डर के बाद मॉब लिंचिंग की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिसमें दो अपराधियों की मौत हो गई है, जबकि एक के घायल होने की बात भी कही गई है। देखिए, ये खबर रोहतास से सामने आई है, जहां बिहार सरकार लगातार ये बात कहती हुई नजर आती है कि बिहार में कानून का राज कायम है, बिहार में सकुशल पूरे प्रदेश के लोग एक साथ एकजुटता से रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये रोहतास से खबर आई है, इसने पूरे प्रदेश पर एक बार फिर से और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो गोली मारकर पहले तो भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन भीड़ भी इस दौरान उग्र नजर आई और भीड़ ने तीनों ही अपराधियों को दौड़ाया। इस दौरान भीड़ ने इतना पीटा तीनों अपराधियों को कि दो की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई गई, और मर्डर के बाद मॉब लिंचिंग का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें दो अपराधियों की मौत हो गई, और ये पूरी खबर रोहतास से है। मंजीत, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मंजीत, देखिए, पहले तो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तीनों अपराधियों को ग्रामीण पकड़ते हैं, जिसमें से दो की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से मंजीत जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। देखिए, मामला आपको बता दें कि विजेंद्र यादव अपने जो है कि कल्याणी गांव में ही अपने एक ऑफिस को निर्माण के लिए जो है कि अपने मकान पे जाते हैं, जहां निर्माण चल रही होती है। उसके बाद अपाची से तीन अपराधी आते हैं और उनको गोली मार देते हैं, और गोली मारकर जो है तीनों अपराधी जो है कि भागने लगते हैं। भागने के दौरान जो है कि ग्रामीणों ने पकड़ लेती है और उनको इतनी पीटती है कि उसमें तीन में से दो की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो जाती है, और तीसरे जो अपराधी थे उसका जो है कि बाद में पुलिस आती है और इलाज के लिए ले जाती है। और वहां अभी रोहतास एसपी के अनुसार उन्होंने बताया कि ये घटना हुई है, जिसमें दो अपराधी को जो है कि मौके पे। ठीक है, देखिए, मंजीत, एसपी की तरफ से कहा गया है कि ये घटना हुई है, यानी कि घटना की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन ये पूरी बड़ी वारदात हो जाती है, जिसमें तीन लोगों की मौत होती है, इस पूरे मामले के दौरान आखिर पुलिस कहां रही,
क्या पुलिस को इस पूरे मामले की भनक नहीं लग रही है कि भीड़ दो लोगों को पीट पीट कर मार रही है या मार चुकी है? देखिए देखिए आपको बता दें कि पुलिस तो जो है कि अपनी नाकामी को छुपाते नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे चीज में जो है कि जैसे पुलिस की स्टेटमेंट है कि तीनों को इलाज के लिए लिया जाया जाता है, जबकि आप फोटो वीडियो में देख सकती हैं कि बिल्कुल मुस्कान जो है कि जिस तरीके से हत्या की गई है तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि उनकी मृत्यु घटनास्थल पे ही हो गई है। लेकिन एसपी का मानना है कि तीनों को जो है कि अस्पताल लिया जाता है, लेकिन दो मृत पाए जाते हैं और एक का इलाज किया जाता है। लेकिन बात यहाँ ये हुई कि जो है कि घटना इस तरह का घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं रोहतास में जो है कि अपराधियों का जो है कि मनोबल बहुत बढ़ी हुई है। जी मुस्कान, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मंजीत, अपराधियों के हौसले तो बुलंद है। रोहतास की इस खबर ने एकदम इस बात की पुष्टि कर दिया। लेकिन देखिए मौके का अगर हम इस वक्त माहौल जानना चाहें तो कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या माहौल अभी भी शांतिपूर्ण बना हुआ है क्या? देखिए अभी अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि रोहतास में जो पूजा थाना है और कल्याणी का है, ये एक्चुअली जो है कि अभी अभी वहाँ पे पुलिस जो है कि मार्च कर रही है और जो है कि वरीय अधिकारी जो है कि वहाँ है। लेकिन इस घटना में जो है कि रोहतास एसपी विनीत कुमार अभी जो है कि एक छोटी सी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है कि इसकी जानकारी दी है, जबकि मीडिया से वो स्टेटमेंट देने से जो है कि भागते नजर आए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाना जिले का कहीं ना कहीं जो है कि अपराधियों को जो है कि मनोबल बढ़ती नजर आ रही है। देखिए इतनी बड़ी घटना, जो सवाल है ना वो सरकार से पूछा जाएगा, क्योंकि लगातार खबरें हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे और आप तो लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव रहते हैं। शराब के तस्करी के मामले बिहार से सामने आते हैं, जो सरकार है वो उस पर भी अंकुश नहीं लगा पा रही है। ऊपर से जो बिहार में अपराधियों के हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। एक तरफ विधानसभा में नीतीश कुमार पॉपुलेशन बढ़ने पर तो बोलते हैं, लेकिन क्या उनका ध्यान बिहार की लचर हो रही कानून व्यवस्था पर नहीं जाता क्या? देखिए आपको माननीय मुख्यमंत्री पर अगर ये बात पूरे बिहार की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए जमुई में भी एक दरोगा की हत्या कर दी गई थी, लेकिन नीतीश कुमार जी से स्टेटमेंट मांगा गया था तो वो साफ तौर में वीडियो में जो है कि झुकते नजर आए थे और मीडिया से भागते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि ये बिहार जो है कि एक अलग क्राइम के रास्ते पर चल रही है, जिसको कंट्रोल करने में अब वो जिला के एसपी के नहीं पूरे बिहार का मुखिया भी नाकाम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद मंजीत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर बाढ़ से है, जहां नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने चौपट विधि व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में दारोगा की सरेआम हत्या हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पंडारक थाना क्षेत्र में महज सिगरेट के लिए बच्ची की हत्या कर दी गई है, जबकि नाटक समारोह के दौरान युवक को सरेआम गोली मार दी गई। राज्य में लगातार विधि व्यवस्था गिरती जा रही है, वहीं संसद को फुर्सत नहीं है कि वो पीड़ितों के आंसू पोंछे। खबर कैमूर से है, जहां साउथ एशिया शेम्बो कुश्ती प्रतियोगिता के रजत विजेता आशुतोष सिंह का लोगों ने फूल की माला से जोरदार स्वागत किया है। बताते चले कि दुर्गावती प्रखंड के खजुरा गांव में जन्मे अरुण सिंह ने देश और जिले के साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। पदक जीतने के बाद अपने पैतृक गांव जाते समय उनका फूल की माला से स्वागत किया गया। वही विजेता आशुतोष सिंह ने इस मुकाम तक पहुंचने का श्रेय बिहार कुश्ती संघ के महासचिव विनय कुमार सिंह को दिया है। सुपौल में एनएच 57 के किनारे सांसद दलेश्वर कामत और पूर्व मुखिया कैलाश प्रसाद यादव ने मणिकचंदन पेट्रोलियम नामक पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया है। इस दौरान सांसद कामत ने कहा कि लोकेशन के हिसाब से ये पेट्रोल पंप महत्वपूर्ण जगह पर बना है। हर एक पेट्रोल पंप पर वाहनों की भीड़ लगी रहती है, इसलिए हर जगह सभी सुविधाओं से बेहतर पेट्रोल पंप की आवश्यकता है। इस मौके पर पूर्व प्रमुख भूप नारायण यादव और प्रकाश यादव समेत भारी संख्या में क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। अब मोतिहारी से खबर है, जहां संचालित
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डैट अपने कारनामों से लगातार सुर्खियों में रहता है। कभी प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षक फरार हो जाते हैं तो कभी राख पर रख कर शिक्षक को भोजन कराया जाता है। इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें बीपीएससी पास करने आए शिक्षक प्रशिक्षण लेने के लिए डैट में उनका डांस करने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के कॉमेंट्स आए हैं। एक ने कहा कि इतना एनर्जी बच्चों को पढ़ाने में लगाएंगे तो उनका भविष्य ही बदल जाएगा। बाढ़ में बिजली विभाग इतनी लापरवाह हो गई है कि एक साल पहले बिजली का खंभा टूट जाने के बाद भी उसका प्रबंध नहीं करवाया गया है। इससे पहले महज 10 दिन पहले बिजली के खंभे का तार नीचे गिर गया था। इस दौरान करंट से गांव के एक युवक की मौत तक हो गई थी। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने जल्द खंभे देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। मोतिहारी में पूर्वी फेस्टिवल कार्यक्रम को लेकर गांधी संग्रहालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कलाकारों का आगाज 17 नवंबर को होगा। वहीं भाग्य नारायण चौधरी ने बताया कि फन का प्रदर्शन दिन के 3:30 बजे से रात 8:30 तक किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार होंगे। इस कार्यक्रम में हजारों गणमान्य व्यक्ति, कला प्रेमियों और अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इसे लेकर होर्डिंग्स और पोस्टर्स तक लगाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।